जनाब सदर मुमलिका जनाब आरिफ अलवी साहब ने आज यौम आज़ादी के मौके पर सिविल अवार्ड्स के का ऐलान किया है जो कि 23 मार्च को दिए जाएंगे। कितनी शख्सियात को दिए जाएंगे और कौन से अवार्ड दिए जाएंगे ये मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। 27 शख्सियात को सतारा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा, 24 शख्सियात को सितारा शुजात से और 44 शख्सियात को तमगा हुस्ने कारकर्दगी दिया जाएगा। और इन शख्सियात में एक शख्सियत ऐसी है जो हम सब की प्यारी शख्सियत है, पूरे पाकिस्तान की प्यारी शख्सियत हैं और वो हैं मोहतरमा सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट हैं हम नेटवर्क लिमिटेड की, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ब्रॉडकास्ट का इदारा है। बिल्कुल, और सबसे बड़ा भी है और उन 24 टॉप कंपनीज में शामिल होता है हम नेटवर्क लिमिटेड जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। बिल्कुल, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने अपने करियर का आगाज किया था 1974 में, मीडिया करियर पाकिस्तान टेलीविजन से उन्होंने शुरू किया। 1996 में उन्होंने बुनियाद डाली एक प्रोडक्शन हाउस की जिसका नाम है मोमल प्रोडक्शंस। फिर उसके बाद 2004 में बाकायदा तौर पर आगाज हुआ हम नेटवर्क लिमिटेड का और उसके बाद फर्स्ट ब्रॉडकास्ट स्टेशन बनाइए जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ। जी, और अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो हमारी जो सुल्ताना आपा हैं एक एक लिस्ट है, लंबी लिस्ट है नेशनल अवार्ड्स की, इंटरनेशनल अवार्ड्स की। और अगर मैं उनमें से सिर्फ चंद नाम ही आपके सामने पेश करूं तो अगर पाकिस्तान टेलीविजन की बात करें तो बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर वो थी, पीटीवी का सिल्वर जुबली अवार्ड उनको मिला। उसके अलावा 10 ईयर की जो बेस्ट प्रोड्यूसर थी 1987 से लेकर 1997 तक वो अवार्ड आपको मिला। उसके अलावा निगार अवार्ड मिला, वुमेन ऑफ विजन अवार्ड मिला 2008 में, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया। इतने अवार्ड्स हैं कि ये एक हजरत खदीजतुल कुबरा अवार्ड उनको मिला। और इसके अलावा एक और चीज़ है, बड़ा एजाज है और ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है, साउथ एशिया की। सुल्ताना आपा साउथ एशिया की वो पहली खातून बनी जिन्होंने बतौर प्रेजिडेंट एक टेलीविजन नेटवर्क को लीड किया। बिल्कुल, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुल्ताना आपा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, जश्न आज़ादी भी और आपका ये अवार्ड भी, क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया। मैं क्या कहूँगी, मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह का और मुझे इस मुल्क का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि ये इज्जत जो मेरे मुल्क ने मुझे दी है मुझे इसको पे बैक भी करना है और करती रहती हूँ। तो बस मैं ये कहूँगी कि अल्लाह मुझ में वो और हिम्मत दे, मैं अपने टेलीविजन के जरिए तो ये काम करती ही रहती हूँ कि सोसाइटी को बेहतर कैसे करें, औरतों की एम्पावरमेंट के लिए और जो भी अल्लाह ने मुझे नेमतें दी हैं वो किस तरीके से मैं सोसाइटी में जो है वापस दूँ। बस इसमें अल्लाह कामयाब करे। मैं फिर कहूँगी कि ये अल्लाह का बड़ा करम है कि उतनी इज्जत से नवाजा है और हमारे पाकिस्तान की औरतें इतना आगे जा रही है। मैं देख रही हूँ बहुत सी खवातीन को मिला है, बुशरा को और दूसरों को, तो मेरा दिल खुश होता है कि पूरी दुनिया में जब ये नाम जाएंगे तो ये एक सॉफ्ट इमेज जाता है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान के न सिर्फ मर्द बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन उनके साथ साथ उनकी खवातीन भी बहुत आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप आज के दिन की मुनासबत से, और जाहिर है क्योंकि आप भी खातून हैं और आपने भी कुछ ऐसे काम किए हैं जो पहले कभी किसी खातून ने पाकिस्तान में नहीं किए थे, पहला ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जो खोला और साउथ एशिया का आप तो वो पहली खातून बनी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी आपा ये फरमाया था कि कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उस कौम की खवातीन मर्दों के शाना बशाना उस कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा ना करें। खवातीन के हवाले से, खवातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से आज के दिन और कायदे आज़म के इस कॉल को सामने रखते हुए क्या कहेंगी? जो कायदे आज़म ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। मैं हमेशा कहती हूँ जंग एक हाथ से नहीं लड़ी जाती। अगर हमें अपने मुल्क की इकोनॉमी, अगर हमें अपने मुल्क का सॉफ्ट इमेज और अगर हमें अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है तो फिर हमें जो है अपनी औरतों को आगे लाना होगा किसी भी तरीके से। उनको जो टैलेंटेड है उनकी हिम्मत अफजाई करनी होगी, उनको सपोर्ट करना होगा, मर्दों से ज्यादा सपोर्ट करना होगा क्योंकि हमारी सोसाइटी मर्दों की है। तो मर्दों को चाहिए, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो शोहर हो, तो हर तरीके से अगर उनके घर में कोई खातून टैलेंटेड है किसी आर्ट के जरिए किसी भी तरीके से तो उनकी हिम्मत अफजाई करें ताकि वो मुआशरे में सर उठा के और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चले। तो मैंने इस हवाले से, आप लोगों को पता है कि पॉलिसी भी अपनी बनाई है कि जी 33% जो है खवातीन होंगी हम टीवी में नेटवर्क में, तो और ज्यादातर जो टॉप उनकी पोजीशंस हैं
वो ख्वातीन की होनी चाहिए, तो वो अपने तरफ से मैं कोशिश करती भी रहती हूँ और उनको जिसे कहते हैं ना कि गाइड भी करती रहती हूँ कि किस तरह जब जॉब पे जाया जाए, दुनिया तो मर्दों की है तो मर्दों की दुनिया में तो किस तरह से खुद को रखना है, किस तरह से हम जब औरतें कम से कम 10% अगर मर्दों से ब्रिलियंट नहीं होते हैं तो हमें आगे नहीं आने दिया जाता है, ये मेरा। लेकिन मैं इस हुकूमत से, अपने लोगों से, अपने स्टेट से ये यकीन रखती हूँ और उनसे गुजारिश करती हूँ कि ख्वातीन की हिम्मत अफजाई करें और जिस पोस्ट पे वो हैं तो जब उनकी प्रमोशन होती हैं तो उसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेके उनको ज़रूर आगे लाएं। देखें, औरतें बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये नेचुरल एक कुदरती एक चीज़ है, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, तो ये मेरा कहना है। मुझे नहीं पता आप लोग मुझे कितने मिनट दे रहे हैं, इसलिए आपको कहाँ दे रहे हैं, आपने मिनट दिए हैं हमें। अच्छा नहीं नहीं, देखे मैं हमेशा उसूल पे चलती हूँ, बिल्कुल लगता है आप लोगों की प्लानिंग में और लोग भी हो, चीजें हो। जी जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी फिर भी कि अगर औरतें हम उनको आगे लाएं तो ये जो हम सॉफ्ट बेच की बात करते हैं और हम इकोनॉमी की बात करते हैं वो इसी से बेहतर होगी। अच्छा आखिरी चीज आपा, हाँ। जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा और वो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, शिवा आपकी भी यही होगी, जब भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, फॉर्मल मुलाकात हो, किसी मीटिंग में हो या कोई इनफॉर्मल गुफ्तगु हो रही होती है, तो एक तो ये कि बड़ी आपके अंदर वो जो एक फ्रेंकनेस का जज्बा है कि जब भी आपसे बात होती है, बिल्कुल जब हम आपको आपा कहते हैं तो वो लगता है कि हम वाकई हम आपा से ही बात कर रहे हैं अपनी। अच्छा लेकिन जो जो चीज़ मैंने आप में देखी कि जब भी बात होती है आपके अंदर एक चीज़ होती है कि अच्छा कुछ नया क्या कर रहे हो, कुछ आगे बढ़ने की जो जुस्तुजू, वो जुस्तुजू आपके अंदर तो है ही, लेकिन आप हमारे अंदर भी वो चिंगारी जो है वो भड़काती रहती है कि नया क्या कर रहे हो, तो ये जरूर हमें बताइएगा कि इतना सब कुछ अचीव करने के बाद और अब, हर कदम पे नया करने के बाद, बिल्कुल अब व्हाट नेक्स्ट आपा, अगला गोल क्या है आपा? नहीं देखिए, अगला गोल तो इंशाल्लाह और बेहतर होगा, वो आप देख लेंगे, लेकिन एक चीज ये जो आप नया है ना, जब तक नयापन नहीं होता ना तो खूबसूरती बढ़ती नहीं है, और नई नई चीजें जो आती हैं उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, यूथ को हमें आगे बढ़ाना चाहिए किसी भी तरीके से, अगर टैलेंटेड यूथ है हमें उनको स्पेस देनी चाहिए। तुम्हें पता है, अगर अभी तुम कहते हो कि आपा, मैं हमेशा कहती हूँ यूथ को स्पेस देनी चाहिए, मैं उनसे लर्न करती हूँ, वो मैं समझती हूँ कि जो हमारी एज के लोग हैं इनको बड़ा फराग दिल होना चाहिए ताकि वो लोग जो हैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करें कि जहां पे कोई रॉन्ग जा रहा है राइट जा रहा है उनको थोड़ा संभाले, लेकिन दुनिया के साथ जिस तरह वो नई नई चीजें सीख रहे हैं तो उनसे हमें सीखने में आर नहीं होना चाहिए, हमें तो खुशी होनी चाहिए कि ये बच्चे इतने आगे जा रहे हैं, कौन ले जाएगा हमारे पाकिस्तान को आगे, आप ही लोग ले जाएंगे ना, तो हमें तो हिम्मत अफजाई करनी चाहिए और हम कभी भी हमें इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, बहुत से लोग हमारे इनसिक्योर हो जाते हैं। मैं बहुत एहतराम करती हूँ अपनी उम्र के लोगों का क्योंकि उनके पास बड़ा तजुर्बा होता है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहती हूँ, कभी कभी वो लोग इनसिक्योर होके प्लेस नहीं देते, और आपने देखा होगा कि मैं उन लोगों को स्पेस देती हूँ, आगे जाती हूँ। देखो मेरी सोच या हम लोगों की या हम लोगों का एक्सपीरियंस कोई नहीं ले सकता, हमें कोई पीछे नहीं कर सकता, लेकिन हमें भी उतना बड़ा दिल रखना चाहिए कि इन बच्चों को आगे ले आना चाहिए। क्या बात, ये है मेरे अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है जवान जो नई नई चीजें सीखने की कोशिश करता है, तो वो मैं करती रहती हूँ, उम्र बढ़ती जाए लेकिन दिल जो है ना वो आप लोगों के साथ बैठ के बिल्कुल दिल जाता है जो नया आता है। मैं नई टेक्नोलॉजी को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्या आगे जा रही है, हमें टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना होगा, हमें बस यही चीजें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ, कोई सवाल हो तो जरूर करें। बिल्कुल
बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपा। और एक चीज़ जो यहाँ मैं बतौर एक एम्प्लॉई हम नेटवर्क के बताना चाहूँ लोगों को कि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब मैं पहली दफ़ा इस दफ्तर में आई थी तो मैं ये सोचती थी पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसा माहौल होगा, और मेरी पहली एक तरह से एक्सपीरियंस था किसी मीडिया हाउस में काम करने का। और यकीन करें कि आपने अगर ये देखना है और कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और वो प्लान कर रहे हैं कि खवातीन को इतनी 30% 40% एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर देंगे, तो उनको चाहिए कि वो हम नेटवर्क के दफातर विजिट कर लें और वो देख लें कि रवैया, बैठने का तौर तरीका, खवातीन का मर्दों के साथ यहाँ पे क्या है और क्या माहौल है। आपको बहुत बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनानी है। बिल्कुल, यानी कि लोग भी रोल मॉडल और ऑर्गेनाइजेशन भी रोल।